नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। जी हां, आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन पहला ही दिन हंगामे पे की भेंट चढ़ गया है। क्या महत्वपूर्ण बिल पास होंगे, क्या कुछ आगे आने वाले समय की रणनीति होगी, इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। नजर डालते हैं क्या कुछ खास है आज एजेंडे में। पीएम की अपील का नहीं दिखा असर, संसद सत्र का पहला दिन ही चढ़ा हंगामे की नजर। बड़ा सवाल, सदन में होगा हंगामा तो फिर कैसे होगा काम। और आम चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे के कवायद शुरू, सपा जेडीयू बीजेडी एआईएडीएमके समेत 11 दलों ने की बैठक। मोदी ने कहा थर्ड फ्रंट देश को बना देगा थर्ड ग्रेड का। चले तो पहला जो एजेंडा हमारा है वो यही है कि जिस तरीके से ये जो पूरा इस पूरी गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो ये सबसे जो संसद का सत्र रहा है वो सबसे विफल जो है वो सरकार रही है। सबसे कम बिल जो है अब तक जब से देश आज़ाद हुआ है सबसे कम बिल जो है वो इस सरकार के दौरान पास हुए हैं। जिम्मेदार इसके लिए कौन है, विपक्ष या फिर जो सत्ता में पार्टी है वो, इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदीप टमटा साहब हैं, सांसद कांग्रेस के। नंद किशोर गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी के। इरफान रसूल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और शाही साथ अश्विनी कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन पहला सवाल प्रदीप टमटा जी से ही होगा मेरा। टमटा साहब, इस सत्र में भी, इस बजट सत्र जो आखिरी सत्र है आपकी सरकार का, उसमें भी तमाम बिल पेंडिंग हैं। पिछले सत्र में भी ये प्रॉमिस किया गया था कि महत्वपूर्ण बिल पास होंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिल को छोड़कर के कोई बिल आप पास नहीं करा सके। इस सत्र को लेकर के क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरह की शुरुआत हुई है तमाम मुद्दे ऐसे हैं। तेलंगाना का मुद्दा, नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा, वो ऐसे मुद्दे हैं जो लगता नहीं कि विपक्ष जो है जो आपकी योजना है उसको कारगर होने देगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी विपक्ष से, प्रतिपक्ष से सबसे बातचीत की है, अनुरोध किया है। देश की संसद का काम ही कानून निर्माण मुख्य काम है, और इस सत्र में हमारे देश के सारे लोगों ने एक नज़र रखी है कि लोकपाल बिल का जैसा बहुत महत्वपूर्ण बिल पास हुआ है, और उसी लोकपाल बिल की कड़ी में भ्रष्टाचार, हमने कहा कि वो एक प्रथम चरण था उस पूरे उस भ्रष्टाचार विरोधी कानून को सशक्त करने का। उसमें चार बिल और इस सत्र में है, जो दो आज ही इंट्रोड्यूस होने चाहिए थे, जिसमें सिटीजन चार्टर और ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म का निर्माण है, जो विदेशी संस्थाएं हैं, विदेशी अधिकारी हैं, उनके करप्शन को इस पर नियंत्रण लगाने का एक बिल आज होना था। लगभग 4-6 कुल भ्रष्टाचार विरोधी कानून के बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र हैं, जिस पर प्रतिपक्ष से सहयोग है। वैसे प्रतिपक्ष ने भी कहा कि इन बिलों से हम सहमत हैं, इन कानून से हम सहमत हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि देखिए, कोई भी तरह की कोई भी प्रभाव, चाहे नॉर्थ ईस्ट के मसले का, उसमें दिल्ली में लगातार दिल्ली के हम नागरिकों को भी समझना पड़ेगा, वो भी इस देश की अंश है और इस तरह की बात नहीं जानी चाहिए, लेकिन कानून निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि आज सत्र शुरुआत हुई है, सबका सहयोग मिल रहा है सर, वो लोग भी नहीं चलने देने चाह रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी स्टैंड है, कई मुद्दे, कई ऐसे बिल हैं जिस पर वो कह रहे हैं कि हम समर्थन नहीं करेंगे। देखो, प्रतिपक्ष को इस बात से उठकर रखना चाहिए, संसद का सत्र राजनीति का नहीं कि हम सरकार के एजेंडे को पास नहीं होने देंगे या हम आने वाले चुनाव की नजरों में इन महत्वपूर्ण बिलों से नहीं पास हुए। देखिए, बिल कानून बहुत निर्माण है, और इस समय देश का जो माहौल है कि किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पूरा जनमानस बनाए कि और सशक्त कानून की कड़ी में उनको सशक्त कानून बनाया जाए, इस भावना को हमको समझना चाहिए। आज का दिन स्टार्ट हुआ है, मैं समझता हूँ कि जैसे जैसा हो प्रतिपक्ष लोग भी सरकार का, प्रधानमंत्री का सहयोग देंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपील क्या की है, जरा पहले उसे सुन लेते हैं, अपने दर्शकों को सुनाते हैं आज संसद सत्र की शुरुआत से पहले उन्होंने क्या कुछ अपील की है। We have important pieces of legislation ready for approval by the Parliament, and I sincerely hope that Parliament will create an environment in which all sections of the House can work together to pass these bills. तो उनका कहना ये है कि माहौल ऐसा रहेगा जैसा कि वो हमेशा कहते हैं कि मतलब कि तमाम जो बिल पेंडिंग हैं वो पास हों। आपसे सवाल ये है कि चूंकि ये सरकार, ये पूरी सरकार जो है अब तक जो है सबसे कम काम हुआ है, सबसे कम बिल पास हुए इस सरकार के दौरान, जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, खुद को या विपक्ष को?
देखिए हमने तो महत्वपूर्ण कोशिशें की थी, प्रतिपक्ष को भी इस लोकतंत्र समझना पड़ेगी, सत्ता को और सरकार को चलाना सिर्फ सरकारी पक्ष का काम नहीं है, हमारे लोकतंत्र की यही बुनियादी मैकेनिज्म है, यही इसकी खूबसूरती है कि यहाँ लोकतंत्र में दोनों की समान भूमिका है। अगर संसद को चलाना की जो प्रथम जिम्मेदारी सरकारी पक्ष की है, लेकिन उसके साथ क्योंकि लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पक्ष प्रतिपक्ष भी है, उसको किसी भी उसकी राय को अनदेखे की भी संसद को नहीं चला जा सकता, तो प्रतिपक्ष को भी इस बात को समझना पड़ेगा, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अल्टीमेटली हम जनता को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो संसद से बड़ा मंच, पवित्र मंच और कोई नहीं हो सकता है। गर्ग साहब की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गर्ग साहब, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, ये जो पूरा सत्र गया है अब तक की देश की आजादी के बाद जो है सबसे कम बिल इसमें पास हुए हैं, और इस दौरान अन्ना का आंदोलन हुआ तब संसद नहीं चलने दी, तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जब समय समय पर आपने संसद नहीं चलने दी है, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका आपने नहीं निभाई है, ये इल्जाम कांग्रेस पार्टी आप पर लगा रही है। कांग्रेस का इल्जाम तो स्वयं वो जवाब दे रहे हैं कि इस सरकार की बुनियाद बेईमानी के ऊपर, वोटों की खरीद के ऊपर, जो न्यूक्लियर डील के ऊपर हुआ, जेल में बंद लोगों से वोट डलवाए, वोट खरीदे गए, बेईमानी पे आधारित कोई भी सरकार, न्यूक्लियर डील के बाद से हम जाता के बीच में गए थे वो नजर आ गया, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, इस पांच साल में जितने करप्शन के बड़े केसेस आए हों, चाहे 2G हों, चाहे कोलगेट हों, चाहे कॉमनवेल्थ हों, सारे इसी पांच साल में आए। आज कौन हंगामा कर रहा है, ये सत्र अभी पुराने सत्र का एक्सटेंडेड है, शीतकालीन सत्र, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और उस सत्र को आखिरी एंड में लेके आए, इन्हें भी मालूम है कि इनका जो तेलंगाना के कारण इनके कांग्रेसी आंध्रा और तेलंगाना में बट के आपस में हंगामा कर रहे हैं, कौन जिम्मेवार है, विपक्ष कहां बीच में आ गया, आज इनके सहयोगी है समाजवादी या बसपा, कौन उनको हंगामा कर रहा है, हम कह रहे हैं करप्शन हटाने के लिए हम बिल्कुल एक कदम की बजाय दो बढ़ाने को तैयार है, बढ़ाया परंतु क्रेडिट लेने के लिए, लोकपाल बिल 40 साल पास नहीं हुआ तो दूसरे दोषी, पास हो गया तो राहुल गांधी क्रेडिट लेंगे। आज ये मानसिकता कांग्रेस को, अब आखिरी सत्र और आखिरी दिन है, और जो प्रदीप भाई कह रहे हैं अब इसको ध्यान रखे, अगले सत्र में उनको यही भूमिका है, विपक्ष की भूमिका में होंगे, कौन होंगे कौन नहीं होंगे, करके साथ कुछ पहले रख लीजिए, कितने कांग्रेस रख लीजिए, तमाम सवाल है। मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक लेने के लिए, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि तमाम बिल वो पास करेंगे, और वहीं जो है जो हमारे पी चिदम्बरम साहब हैं उनका कहना ये है इस सदन में कोई बिल पास नहीं हो पाएगा, इस तरह की उनकी आशंका है, तो इन दो इस तरह का विरोधाभास जब सरकार में ही है तो कैसे होगा काम, छोटे से ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा।